साथियों, कल मैंने लॉकडाउन के सिलसिले में जो गरीबों पर बीत रही है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, प्रवासी मजदूरों और जिनकी वजह से पूरे देश के अंदर या दुनिया के अंदर भारत की बदनामी भी हो रही है कि उनके लिए कोई इंतजाम नहीं सोचा गया, कोई ऐसी योजना नहीं तैयार की गई कि लॉकडाउन अनाउंस करने से पहले उनको सुरक्षित रेलों से, बसों से अपने गाँव जाने के लिए कुछ मौका दिया जाता कम से कम। आज मैं एक उससे भी ज्यादा बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि गरीब गरीब क्यों है? हमारे देश में तो है ही है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गरीब हैं, मेहनत कश हैं फिर भी गरीब हैं। एक अजीब सा ढांचा समाज का मिलेगा आपको कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सबसे ज्यादा ईमानदार है, खून पसीने की कमाई में विश्वास करता है, वही आदमी, वही औरत, वही बेटी, वही बच्चा सबसे ज्यादा मोहताज है रोटी के लिए, और जो कमाता है उससे मुश्किल से उसका भर पेट खाना मिल जाए, गनीमत समझिए। सिर छुपाने के लिए कोई छप्पर नहीं ठीक से, और कपड़े भी ऐसे हैं कि वो ठीक से नहीं पहन सकता, तो रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये बहुत पुराना नारा। और हम तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में ये नारा लगाते थे, गीत गाते थे, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आजाद है। तो मैं आज उससे भी आगे ही जाना चाहता हूं। 1968 में जब मैं कलकत्ते से छोड़ के आया स्वामी इंद्रवेश जी के नेतृत्व में, हमने हरियाणा के अंदर एक हलचल मचाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। कुरुक्षेत्र से हम पैदल चले, 200 नौजवान ओम के झंडे लेकर के दिल्ली के लाल किले के सामने, प्राचीर के सामने हमने संकल्प लिया था, जलती मशालों को अपने हाथ में लेकर प्रकाशहारी राष्ट्र बनाएंगे, पूंजीवाद मिटाएंगे। और उस समय लोगों ने हमसे पूछा था, आर्य राष्ट्र का मतलब क्या, हिंदू राष्ट्र की तरह आप भी कोई आर्य राष्ट्र बनाना चाहते हैं? तब हमने उसका जवाब बताया था, बाकायदे वेद मंत्रों का सारा लेकर के और जो वैदिक शब्द हैं उनका विस्तृत अर्थ जो है उसका सहारा लेकर के बताया था। डेरिवेटिव रूट जो है आर्य का मतलब मेहनत करने वाला, गतिशील, क्रियाशील, कर्मशील जो व्यक्ति होता है वो आर्य है। और ऐसे लोगों को ही आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित, शोषित होना पड़ रहा पूरी दुनिया के अंदर। जो दौलत पैदा करता है वो दौलत से महरूम है, और जो दौलत पैदा नहीं करता, दौलत से दौलत कमाता है, वो करोड़ों में गुलछर्रे उड़ाता है। ये है विडंबना हमारे पूरे समाज की, पूरी दुनिया की। तो मेरा सवाल आज सबसे पहला बुनियादी सवाल है, आप भी सोचिएगा क्या मैं गलत कह रहा हूं, ये सवाल को उठाने में कोई मेरी नासमझी है, या आप भी सहमत हैं तो आप बताइए, और हम सब मिलकर के सोचें कि गरीब गरीब क्यों है। हमारे देश में कुछ धार्मिक परंपराओं ने ये प्रचलन कर दिया, गरीब तक को ये भरोसा दिला दिया, विश्वास दिला दिया कि तेरी तकदीर में, तेरी भाग्य की रेखा में, तेरी किस्मत में गरीबी लिखी है। क्यों लिखी, किसने लिखी है? परमात्मा ने, हाँ परमात्मा ने लिखी है, और तेरे पिछले जन्म के कर्मों को कारण बता करके लिखी है। कहाँ है वो कर्मों के कारण, कौन जानता उन कर्मों को? जब ये सवाल हम उठाते हैं तब फिर ये सब बगले झांकने लगते हैं। मुझे याद है कि 1970 में मैंने संन्यास की दीक्षा ली, और 74 में मैं गया था हरिद्वार के कुंभ मेले में, और वहां लाखों लाखों साधु घूम रहे थे इन लाल कपड़ों में, तो कोई पीले कपड़े, कोई सफेद कपड़े, कोई बिना कपड़ों में, नागा बाबा, और उनके सब बड़े बड़े नेताओं से मिलते मिलते मेरे मन में आया कि इनका जो गुरु का जगत गुरु है उनसे मैं मिलकर के पूछूं तो सवाल कि गरीब गरीब क्यों है, मेहनत करता है फिर गरीब क्यों। और उस समय मैंने उस समय के जगत गुरु के सामने खड़े होकर के एक छोटा सा सवाल पूछा था, महाराज मैं गरीबों में, किसान मजदूरों में काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता इतनी मेहनत करने के बाद भी वो भूखा नंगा लाचार क्यों है।
तपाक से जवाब दिया। गुरु महाराज ने कहा, अरे ये कमीने पिछले जन्म के पापी हैं और परमात्मा ने इनकी तकदीर और भाग्य की रेखा में लिख दिया है गरीबी, चुपचाप बिना कोई संघर्ष किए बर्दाश्त करेंगे तो हो सकता है अगला जन्म कुछ थोड़ा ठीक हो जाए, और झगड़ा करेंगे तो ये भी बिगड़ जाएगा। इनका धन्य वचन महाराज, धन्य वचन। ये कह करके एक वाक्य में मेरे उन्होंने सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर दे दिया। सब कुछ पिछले जन्म के कर्मों का फल है। मैं उनके स्थान से जब निकल रहा था बाहर, तो देखा कि बड़े बड़े सेठ, कलकत्ते के सेठ या पता नहीं कहाँ के सेठ थे, और उनके पीछे पीछे नौकर सिर के ऊपर बड़े बड़े परातों में, थालियों में, और सब कुछ मेवा मिठाई सोना चांदी क्या क्या चीजें लेकर के और गुरुजी के सामने पेश हुए, उनके चरणों में रख दिया। गुरुजी बहुत खुश हो गए, बहुत बहुत, और सिर पे हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। उन सेठों को आशीर्वाद दिया जिनके पेट निकले हुए, दो सेठ आपस में हाथ मिलाए तो पेटों का एक्सीडेंट पहले हो जाए। उनको कह रहे खूब फलो फूलो, खूब फलो फूलो। मैं कोने में खड़ा होकर सोचने लगा, ये सेठ तो पहले ही इतना फूला हुआ है और इसी को फुलाने में लग रहा है ये गुरु महाराज। जब वो सेठ मंदिर की परिक्रमा करने चले गए तो मैंने फिर पूछा, एक मिनट के लिए महाराज, अभी आपने जिनको आशीर्वाद दिया है खूब फलो फूलो का, इनको हमने कभी किसी खेत में खदान में कोई हथौड़ा लेकर के काम करते हाथ चलाते नहीं देखा, कहां से आ गए, क्यों आ गए इनके पास इतनी दौलत? कहने लगे, अरे तुमको अभी तो बताया था ये पिछले जन्म के पुण्यात्मा हैं, बहुत अच्छे कर्म किए इन्होंने और इसलिए इस जन्म में मिट्टी को हाथ लगाते सोना बन जाता है, इसमें इनका क्या कसूर है? और जो कुछ है इनके पास, दौलत धन सोना चांदी, ये ऊपर वाला दे रहा, ऊपर वाला जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है। मैंने कहा, महाराज जी इनके जो छप्पर होते हैं वो एक एक कई कई तल्ले मकान के होते हैं 20-30, और उनके अंदर सीमेंट लोहा गाटर लगा होता है, उसको फाड़ के नीचे डालने में ऊपर वाले को बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी, इन गरीबों के तो छप्पर फटे फटाए होते हैं, इसमें थोड़ा सा क्यों नहीं डाल देता? मेरी बात से उनको गुस्सा आ गया, कहने लगे तुम भाग जाओ यहां से, इस तरह की बकवास करते हो, तुम दिखते हो कपड़े पहन रखे हैं साधु के और बात करते हो इस तरह की। उन्होंने मुझे थोड़ा अपमानित किया। मैंने कहा, महाराज जी कोई बात नहीं, मैं तो जाऊंगा और जा करके जो आज आपने मुझे जवाब दिया है इसको देश के गरीब किसान मजदूर दलित शोषित आदिवासी उन तक पहुंचाऊंगा और कहूंगा कि आज के बाद तुम्हारे गांव में गली मोहल्ले में कहीं पर भी कोई तकदीर के भाग्य की रेखा की बातें करता हुआ किस्मत के गीत गाता हुआ मिल जाए और तुम्हारी गरीबी लाचारी बेबसी के लिए उसी को कारण बताए पिछले जन्म के कर्मों को, तो बड़े प्यार से उसको पकड़ लेना, ऐसे संड मुसंड साधु संन्यासी पंडित पुजारी को, और बिजली के खंभे से या पेड़ से उसके हाथ पैर बांध करके लोहे का चिमटा गर्म करके उस लाल लाल चिमटे को उसके पेट की तरफ ले जाना, और जब वो चीखे और चिल्लाए और कहले मुझे क्यों सताते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तो बड़े प्यार से हाथ जोड़ के कहना, महाराज जी हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ होने जा रहा है पिछले जन्म के कर्मों का फल होने जा रहा है। एक मिनट में उसको बुद्धि आ जाएगी, समझ में आ जाएगा कि कोई पिछले जन्मों का कर्मों का खेल नहीं होता, ये सब कुछ षड्यंत्र है, बाकायदे कॉन्स्पिरेसी, एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है लोगों को गरीब बना करके शोषण करते रहने के लिए। इन लोगों ने पिछले जन्म के कर्म फल का और ये सारा का सारा निकाला, वेदों में इस बात की कोई चर्चा नहीं, बल्कि उल्टा ठीक उल्टा, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सब व्याहिता, हे इंसान तू दाहिने हाथ से पुरुषार्थ कर और बाएं हाथ से फल प्राप्त कर, और एक मिनट के लिए तुझसे कोई काम ले ले और दाम न दे तो फिर उसके बाद, वेद मंत्र बड़ा जबरदस्त है, मैं फिर कभी बताऊंगा आपको, यस्य विश्वानि हस्तयो पंच क्षितिनां वसत् स्पाश यस्व यो अस्मद्रु दिव्य वाश निर्जय, ये वेद मंत्र कहता है कि जिसने तुम्हारा शोषण किया उसके ऊपर तुम बिजली की तरह से टूट पड़ो, बिजली की तरह से,
और उसको दफन कर दो जमीन के नीचे, कई मील नीचे, जिन्होंने तुम्हारा शोषण किया। तो ये तो वेद का हुंकार है। और ठीक इसके विपरीत जाकर के भाग्यवादी सोच ने हमारे देश को और समाज को इतना कमजोर कर दिया कि आज ये धक्के खाते हुए जो मजदूर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तड़प तड़प करके माए गोद में बच्चों को लेके रो, और इन सब के पीछे वो सोचते हैं हमारी किस्मत है कुछ। अपने गांव से उजड़ करके जाते हैं 1000 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर, मेहनत मजदूरी करने के लिए, और यही सोचते हैं हमारी तकदीर में लिखा है, हमारी किस्मत में लिखा है। कोई तकदीर किस्मत नहीं है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, उठाओ बदल दो ऐसी सड़ी गली तस्वीर को और तकदीर को, और अपने हाथ में ले लो सारा अपने भाग्य की रेखा, खुद अपने हाथों से लिखो, और इस प्रकार से आप एक नया समाज बनाने की तैयारी करो जिसमें कोई भी बच्चा, मैं तो पूछता हूं जब भी जाता हूं स्कूल के बच्चों से भी पूछता हूं कि जब भगवान हमें पैदा करता है तो क्या हिंदू और मुसलमान बना के बेचता है या इंसान, और छोटे छोटे बच्चे तपाक से बोलते इंसान इंसान, तो जब वो इंसान पैदा करता है तो हमें हिंदू और मुसलमान कौन बना देता है, और इसी को चिपके हुए बैठे हुए हम। और ये धर्म के लोग कभी साफ साफ बताते नहीं कि हम में से कोई गरीब क्यों अमीर क्यों, हिंदू अमीर और मुस्लिम अमीर ये तो आपस में आसानी से मिल जाएंगे, एक साथ बैठ के खाएंगे पिएंगे और सब कुछ करेंगे, लेकिन मुस्लिम गरीब के साथ मुसलमान अमीर और हिंदू गरीब के साथ हिंदू अमीर, और इसी तरह से सब लोग, और कभी भी मिलकर के बैठ के खाना तक नहीं खाते या कोई सामाजिक संबंध नहीं रखते। तो ये सब का सब ढांचा सड़ा हुआ पड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं पर ये खोट है, दिमागों में कीड़े हैं, इन कीड़ों का सफाया करने की जरूरत है। कोई भाग्यवाद किस्मतवाद परमात्मा की तरफ से कोई नहीं है, किसी को काला बना करके कमजोर नहीं करता बुद्धि को, परमात्मा किसी को गोरा बना करके ज्यादा तेजस्वी नहीं बनाता, किसी को बेटी बना के कमजोर नहीं करता, किसी को बेटे बना करके बेटा बना के तेजस्वी नहीं करता, न किसी को ऊंची जात में पैदा करता है, न किसी को नीची जात में पैदा करता है, परमात्मा सबको बराबर पैदा करता है। जब सब बराबर होते हैं, बच्चा पैदा होते ही एक बच्चा होता है, एक इंसान होता है, और उसके ऊपर सूरज की रोशनी वैसे ही होती है जैसे किसी अमीर के बच्चे पर, सांस लेने की हवा वही होती है, पानी की बूंद वही होती है, एक एक पत्ता पत्ता भी कभी भी किसी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन कोई भेदभाव नहीं करता। तो परमात्मा की सृष्टि का कानून तो समता की बात कहता है, बराबरी की बात कहता है। हम उस परमात्मा पर थोप करके कैसे कह सकते हैं कि वो हमें किसी को अमीर और किसी को गरीब, किसी को ऊंच किसी को नीच बना करके भेज रहा है। ये परमात्मा का अपमान है, उसकी सृष्टि के नियमों के साथ खिलवाड़ है, उसका उपहास है। और इसलिए आइए हम यदि सचमुच में ईश्वर पर, अल्लाह पर, गॉड पर, वाहेगुरु पर विश्वास करते हैं तो ये इस प्रकार से रोज रोज का अपमान हमें बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हम उस ईश्वर के नियमों को सीख ताकत के साथ लागू करें और दिखाएं दुनिया को कि हम सब बराबर हैं, हम सब इक्वल हैं। इक्वालिटी, इक्विटी, जस्टिस भारत का संविधान जिसकी हमें प्रेरणा देता है, और इसी प्रकार से समान शिक्षा सबको मिल जाए, समान स्वास्थ्य की रक्षा सबको मिल जाए। तो मैं कहता हूं समान शिक्षा देना शुरू कर दो तो दलित का बच्चा किसी ब्राह्मण के बच्चे से आगे निकल के दिखा सकता है। कभी भी समान शिक्षा दे दो तो काला बच्चा और गोरे बच्चे से आगे निकल के दिखा देगा। समान शिक्षा दे दो तो बेटियां, आज जैसे हो रहा है, थोड़ी सी बराबरी दी है और बेटियां बेटों से आगे निकल के दिखा रही है। तो परमात्मा तो सबको बराबर पैदा करता है, इसलिए गरीब से गरीब को भी अच्छी शिक्षा, समान शिक्षा मिल जाए तो वो अमीर से अमीर के बच्चों को पीछे छोड़ के आगे निकल सकता है। लेकिन समतामूलक समाज बनाने के लिए कोई कृत संकल्प नहीं है। संविधान की कसम खाने वाले उसी संविधान को पैरों तले रौंदते हैं,
और इसलिए आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आइए हम सब मुट्ठी बंद करके दांत भींच करके सवाल उठाएं, गरीब गरीब क्यों है? परमात्मा की वजह से, सृष्टि के नियमों की वजह से, अल्लाह की वजह से, वाहेगुरु की वजह से नहीं है, बल्कि समाज की पूंजीवादी सामंतवादी सड़ी गली व्यवस्था की वजह से ये लोग गरीब हैं, और इनको और गरीब बनाए रखने के लिए ही इस प्रकार के सारे दांव पेश खेले जा रहे हैं। हमें इस समाज को बदलना है, बुनियादी परिवर्तन की तरफ जाना है। कुछ लोगों को थोड़े से टुकड़े डाल दिए, खाना खिला दिया, ये है वो तो करिए, तात्कालिक जो सहायता करनी ही चाहिए, क्योंकि ये अनाज क्या सारी दौलत इनकी पैदा की हुई है, इन्होंने तो दौलत पैदा की, और आज ये टुकड़ों के लिए मोहताज हो रहे, दर दर की ठोकर खा रहे, करोड़ों करोड़ों लगभग 19-20 करोड़ लोग प्रवासी मजदूर हैं, 50 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, रोजगार का अधिकार नहीं है, संविधान को बिल्कुल तिरस्कृत अपमानित किया जा रहा है। जिस संविधान के सामने मोदी जी दोबारा चुन करके गए पार्लियामेंट में, तो ऐसे नाटक किया संविधान के ऊपर मत्था टेका उन्होंने, ये सारा का सारा क्यों करते नाटक आप? जब उस संविधान को लागू नहीं करते आप, उसके प्रति ईमानदार नहीं है, तो नाटक कब तक करके आप लोगों को इस तरह बहकाते रहेंगे? ये सब नहीं चलना चाहिए। मोदी जी संविधान का सचमुच में आदर करते, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए सचमुच में आपके दिल में कुछ आदर है, सम्मान है, तो एक एक अक्षर की जो लेटर एंड स्पिरिट होती है उसको लागू करके दिखाइए, और बदल के दिखाइए पूरे समाज को। आज आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, इस ताकत का इस्तेमाल करके आप एक अपना नया अवतार ले सकते हैं चाहे तो, और वैसे ही जैसे पिछले 5 साल गुजारे, आगे भी आप गुजार देंगे अमीरों की सेवा करते हुए, तो फिर इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। आपको बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, और पूरे देश को एक नई दिशा देनी है, संविधान को लागू करके दिखाना है, और तब जाकर के देश के गरीबों को न्याय मिलेगा, न्याय के साथ साथ समान शिक्षा मिलेगी और समान स्वास्थ्य की सेवाएं मिलेंगी। सब कुछ जब तक समान नहीं होता है, और इसके लिए प्राथमिकता उनको देनी पड़ेगी, वो सबसे नीचे हैं, और सबसे नीचे वालों को जब तक उठा करके आप एक समता के स्तर पर नहीं ले आते, तब तक अमीरों की सेवा करना बंद कर दीजिए। धन्यवाद आप सबका।